हेलो फ्रेंड्स, मैं कुसुम आपका मेरे चैनल द किचन ऑफ में स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कर रहे होंगे। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी। चलिए बनाते हैं ये आसान रेसिपी। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप साबूदाना, लेकिन इसे 6 घंटे के लिए भिगाना पड़ता है। तो कल रात को मैंने 2 पानी से धो के और 6 घंटे के लिए भिगा दिया था, तो ये ऐसे फूल जाते हैं दाने और खिचड़ी काफ़ी सॉफ्ट बनती है। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उन्हें छील के धो के और मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया। 1/2 कप मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, ये कच्ची है, इसे अभी हम रोस्ट करके और दरदरा कूट लेंगे। 2 बड़े चम्मच घी है, खिचड़ी में घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप चाहिए तो आप तेल में भी बना सकते हैं। 3 मैंने हरी मिर्च ली है, बड़े बड़े टुकड़ों में काट ली है, आप तीखा कम खाते हैं तो आप 1 ही डालिए। और 1 छोटा चम्मच जीरा है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च है, ये भी दरदरी कूटी हुई है, 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक है, नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए, और कड़ी पत्ते के 7-8 पत्ते हैं, ये आप डालिए, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 कप धनिया है, इसे हम 1/2 खिचड़ी में डालेंगे और 1/2 हम गार्निश में यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खिचड़ी बनाना। मूंगफली हम भून लेते हैं, ये मूंगफली हम डाल देते हैं और इसे हल्का ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। मूंगफली अभी देखो भून के हो गई है, इसे हमें भूनते हुए 2 मिनट हो गए, तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा हो जाएगा तो फिर कूट लेंगे दरदरा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम घी डालेंगे और हमारा घी गर्म हो गया, अब हम उसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा हमारा अब शुरू हो गया है, अब हम इसमें कड़ी पत्ते डाल देंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे और आलू को हमको अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक पका लेना है कि हमारे आलू एकदम गोल्डन दिखने लगे, क्रिस्पी हो जाए, फिर हम इसमें मूंगफली के दाने और सेंधा दाना डालेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी आलू एकदम क्रिस्पी हो गई है, अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च पहले इसलिए नहीं डालें कि वो आलू के साथ ना जल जाती, और हम अब ये हरी मिर्च डाल के 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मिर्ची हमारी हो गई है, अब हम इसमें सेंधा डाल देंगे जो हमने दरदरा किया हुआ, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। अब हम इसमें साबूदाना डालते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के चला लेंगे, अच्छे से ये मिक्स कर लेंगे और फिर हम ये पूरा साबूदाना डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च और सेंधा नमक और थोड़ी सी धनिया, 1/2 धनिया डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। ये अब हम अच्छे से मिक्स करके अब इसे ढक देते हैं। तो देखिए हमारी खिचड़ी पक गई है और ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है, पहले जब हमने डाला था तो वाइट थी, अब ट्रांसपेरेंट हो गई। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं।
फ्रेंड्स, तो ये हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। अब हम इसे हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। तो साबूदाने की खिचड़ी उपवास हो या ना हो, सबको बहुत पसंद आती है। तो हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।